स्वागत है सर आपका। हाँ जी नमस्कार जी। मैं नमस्कार सर यहाँ सहारनपुर से बोल रहा हूँ जी। जी, बताएं। मैडम ये मेरे को दमे की बीमारी है 25-30 साल से, और ये माजू नार के भी आपके खा रहा हूँ, और इन्होंने 1 ईयर भी दिया है, लेकिन पीछे मेरी स्थिति बहुत तेज खराब हो गई थी, फिर मेरे को अस्पताल जाना पड़ गया था। अब वही हकीम साहब से पूछना था कि इसका कोई समाधान है क्या। ठीक है। जी बीच में बहुत ज्यादा हकीम साहब, हाँ देखिए, अगर बहुत ज़्यादा दमा है तो आपको डॉक्टर्स की दवाएं भी लेनी चाहिए। एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे लंग्स जो हैं बहुत कम काम करने लगते हैं। लंग्स काम करने के लिए उन्हें पूरी तरह फूलना चाहिए, फिर सिकुड़ना चाहिए, फूलना चाहिए, फिर सिकुड़ना चाहिए। अगर ये पूरी तरह नहीं फूल पाते हैं तो समझ लीजिए लंग्स में काफ़ी परेशानी है। तो एलोपैथिक इलाज तो छोड़े नहीं, और जो माजून आप हर केयर खा रहे हैं वो गर्म पानी से खाएं। एक बार खा रहे हैं तो 2 बार खाएं। और एक घरेलू नुस्खा भी मैं अक्सर बताता हूँ जो काफ़ी कारामद है, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगता है। सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान एक दवा का नाम है, उनाब एक दवा का नाम है, और अलसी आप जानते ही होंगे। ये तीन चीज़ें लें 100-100 ग्राम, सपिस्तान, उनाब, अलसी। उनाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और ये चीज़ें, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेनी है। और इसमें आपके किचन में जो पीपला मूल कहलाती है, पीपले भी कहते हैं, पीपला मूल भी, ये 30 ग्राम लें। इनको मिलाकर इनको पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह खाएं खाली पेट गर्म पानी के साथ या चाय के साथ, 1 चम्मच रात को सोते समय लिया करें, और अपना इलाज डॉक्टरों से चलने दें, और कम से कम साल 2 साल दवा खाएं। अगर पुराना मर्ज है तो इतना वक्त लग सकता है।